नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। आप देख रहे हैं JNI न्यूज खबर राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र से। मोहनलालगंज में आपको बता दें, वीरेंद्र सिंह के धनक ढाबा के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर अमन सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया गया। और आपको बता दें, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर जी के द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं देव विश्वास की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। मैं अभी मोहनलालगंज में मौजूद हूं और धनक सिंह ढाबा प्लस एक फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। और इस उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पे हमारा सांसद जी कौशल किशोर जी यहाँ मौजूद हैं, जिनका हाथ में रिबन कटकर एक उद्घाटन किया गया है। हम यही जानना चाहेंगे, आज नवरात्रि में किस तरह से इस होटल वाले को कौशल किशोर जी ने संदेश देता, आइए मिलते हैं। गुरुजी, आज जो उद्घाटन हुआ है और आपका शुभ हाथ से होटल का रिबन कटा, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? धनक सिंह ढाबा है, फैमिली रेस्टोरेंट है ये, इसमें परिवार के साथ लोग आकर के अपना खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं और परिवार के साथ जो है भोजन का एंजॉय भी कर सकते हैं। इस मौके पे हमारे बीच में धनक सिंह जी भी हैं, बेटू सिंह जी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष अमन सिंह जी हैं, उनकी सब टीम के लोग हैं और सभी लोग जो है इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और खुश हैं। इस क्षेत्र में एक बढ़िया फैमिली वाला साफ सुथरा ढाबा यहाँ पर धनक सिंह जी ने खोला है, मैं उनको बधाई देता हूँ और मैं इस बात का विश्वास भी रखता हूँ कि ढाबा बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और यहाँ पर अच्छा भोजन भी, स्वादिष्ट भोजन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रहा है, कोरोना महामारी को देखते हुए नवरात्रि और दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार हमारा सामने है, इस विषय में क्षेत्रवासी और समस्त देशवासी को क्या संदेश देना चाहिए? सभी देशवासियों को, प्रदेशवासी और क्षेत्रवासियों से मेरी अपील है कि इस नवरात्र के पीरियड में सोशल डिस्टेंस का पालन करें। नवरात्र के पीरियड में जो भी हमारी माता श्री और देवियाँ हैं उनकी अर्चना करें, पूजा करें सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए और उनसे अपील करें कि हिंदुस्तान से बहुत जल्दी कोरोना जैसी महामारी हमारे देश को छोड़े और हमारे सभी लोग स्वस्थ हों। अब कोई भी आने वाले समय में, भविष्य में कोरोना से संक्रमित ना हो और जो कोरोना से संक्रमित हैं वो जल्दी स्वस्थ हों, ठीक हों और किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो। ये मेरी अपील है कि जो लोग भी, हमारे सभी लोग जो इस नवरात्र के पीरियड में पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, वो देवी माता से यही सब लोग आराधना करेंगे। हमारा क्षेत्रीय माननीय सांसद जी हैं, इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया है और आपको बताना चाहेंगे, मोहनलालगंज क्षेत्र पे एक फैमिली रेस्टोरेंट नहीं है कहने से चलता है और ये एक संपूर्ण सुरक्षित व्यवस्था के तौर पे अगर देखा जाए, इस रेस्टोरेंट में हमारा क्षेत्रवासी फैमिली के साथ इंजॉय करके यहाँ खाना पीना खा सकते हैं। आप बने रहे JNI न्यूज़ के साथ, मैं हूँ देव, कैमरामैन दिवाकर के साथ। बड़े भैया, परिचय देते हुए ये बताइए, आज जो ढाबे का जो उद्घाटन हुआ और आप मुख्य कार्यकर्ता और मुख्य गेस्ट बन के आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासी को? देखिए, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि मोहनलालगंज जैसी जगह पे, हमारे यहाँ मोहनलालगंज में धड़कन जैसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, जिसमें मान के चलिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आज हमारा पूरा देश कहीं ना कहीं जूझ रहा है, उसके लिए एक अच्छी गाइडलाइंस के द्वारा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अच्छी गाइडलाइंस के द्वारा जिस तरीके से इसका रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है, तो मान के चलिए कि अपने परिवार को आप लाएंगे तो सारी तरीके से पालन किया गया है, 2 गज की दूरी का ध्यान रखा गया है और पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, हाथों में ग्लव्स पहन के लोग खाने का परोस रहे हैं। ये अच्छी सुविधा है क्षेत्रवासियों के लिए और मैं तो कहूँगा कि अपने घर से निकलकर, लॉकडाउन के दरमियान जिस तरह अपने घर में थे, घर से बाहर निकलकर इस रेस्टोरेंट में आए और अपने फैमिली के साथ इसके भोजन का लुत्फ़ उठाएँ। ले, आज धनक सिंह ढाबा का जो और एक फैमिली रेस्टोरेंट का आपने उद्घाटन किया, आप क्षेत्रवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे इस धनक सिंह ढाबा का विषय? हम क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि धनक सिंह ढाबा जो खुला हुआ है वो सूर्या इंस्टीट्यूट
के बराबली रोड पे है और माननीय सांसद द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो विद फैमिली से अपने फैमिली सहित यहाँ के आके एंजॉय करें और खाना खा के हमें इस धनक सिंह ढाबा का परिचालक जो 24 घंटा इस ढाबा का निगरानी पे रखेंगे, आपको हम बताना चाहेंगे संतुष्टिजनक सेवा यहाँ मिलेगा, क्योंकि आज का दिन में हर व्यक्ति डरते हैं कि ढाबा पे फैमिली लेके जाने का, आप निसंकोचन होके इस ढाबा पे पहुँच सकते हैं। हम उस परिचालक मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने फिलहाल मौजूदा हमारे साथ में ही खड़े हैं, हम बात करना चाहेंगे आम पब्लिक को, आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। बड़े भैया, आपने बहुत उत्साहपूर्वक आज इस धनक ढाबा का उद्घाटन किए हैं, आप क्षेत्रवासी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आपको पूरे भरोसा और विश्वास बने रहे? हम सर यही चाहते हैं कि हमारे ढाबे पर सब लोग आए, खाना खाएं, लोग मनोरंजन करें और आराम से बैठ के अपने घर जाएं।